योगी सरकार के द्वारा ही अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के लिए चलाए जा रहे जब्तीकरण अभियान के तहत ही झांसी के नवाबाबाद थाना पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की करीब 1.5 अरब कीमती संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक ही कुख्यात अपराधी लेखराज को पुलिस कस्टडी में छुड़ाने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर पूर्व में दर्ज मुकदमों की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की है और इसी क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार और SSP राजेश एस की निर्देशन में राजस्व विभाग और नवाबाद पुलिस टीम ने ही क्षेत्र में पहुंचकर डुग्गी डुग्गी बजाकर ऐलान कर दिया है। बता दें कि विधायक दीप नारायण की अर्जित की गई संपत्ति करगुवा जी के सालासार कॉलोनी में मून सिटी के आसपास और अनचिन्हित करते हुए करीब 1.5 अरब की संपत्ति कुर्क की गई है और अभी तक पुलिस राजस्व विभाग की टीम लगातार पूर्व विधायक की संपत्ति में जमीनों की जब्तीकरण की कार्यवाही लगातार कर रही है। सुनो सुनो सुनो, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, झांसी के आदेशानुसार अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, झांसी के आदेशानुसार अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय से पारित आदेश के क्रम में ये दीप नारायण उर्फ दीपक के भूमि का कुर्की की जा रही है। ये राजस्व गांव करगुआ है। करगुआ में उनके इस जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहां पर लगभग 18 करोड़ की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की गई है। इस पे पूरे हमारे तहसील में इनकी जो भी संपत्ति है उसका आकलन करने पर जो भूमि है उसका लगभग बाजारों मूल्य 130 करोड़ रुपए हो रहा है। इनकी जो जमीन है ये करगुआ में है, भगवंतपुरा में है और बनगुआ है, ऐसे जहां पर अभी तक इतनी जमीनें हमें इनके नाम से मिली हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है।